पंजाब की गद्दी पर जैसे ही चरणजीत चन्नी आसीन हुए तो विरोधियों ने उन पर निशाना साधते हुए अपनी खूब भड़ास निकालनी शुरू की। चंडीगढ़ भाजपा के संगठन मंत्री दिनेश कुमार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए चन्नी को महज एक मोहरा करार दिया और साथ ही पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने आनन फानन में और ऐसा निर्णय दलित कार्ड जो खेला है उससे उसके मंसूबे साकार नहीं होंगे, क्योंकि चन्नी मुख्यमंत्री के मोहरे के रूप में हैं, लेकिन पंजाब के प्रभारी कांग्रेस के हरीश रावत कहते हैं कि इलेक्शन में के बाद हमारा चेहरा नवजोत सिद्धू मुख्यमंत्री होगा, तो अब ये पंजाब को बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। भाजपा ने अपना राज आने पर दलित चेहरे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना भाजपा की हर कोशिश पर पानी फेर दिया। इस पर दिनेश कुमार ने भाजपा को सबका साथ सबका विकास वाली सरकार बताते हुए उसे दलित हितैषी करार दिया। भाजपा का जो कहना था, भाजपा जो कहती है वो करती है और उसका परिणाम आता है। भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और उस आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में राष्ट्रपति दलित समाज से बनाए हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दलित समाज के हैं, कई राज्यों में गवर्नर दलित समाज के हैं, कई मुख्यमंत्री दलित समाज से संबंध रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज को न्याय दिलाने में, ओबीसी को न्याय दिलाने में, एससी समाज को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इन लोगों को जो दलित समाज के साथ और एससी समाज के साथ, तो उनके अधिकारों को छीनने का काम कांग्रेस ने किया है और गरीब स्टूडेंटों के वजीफे को वो खा गए, तो इससे बड़ा क्या उदाहरण मिल सकता है। दरअसल पंजाब में होने वाले चुनावों से पहले भाजपा और अकाली दलित कार्ड खेल चुनाव में अपनी पैंठ जमाने की रणनीति बनाने में जुटे थे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने दलित चेहरे चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बना कहीं न कहीं भाजपा और अकालियों को अब ना उम्मीद सा कर दिया है। दिनेश दीक्षित, अर्थ प्रकाश। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।